नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, जो लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए थे, उन सभी के लिए एक नया अपडेट आया है जो कि आप सभी को जाना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आपका भी एडमिट कार्ड रुक सकता है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा था कि इसका एग्जाम कब होगा, इसकी वीडियो की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप लोग देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर आपका एग्ज़ाम कब होगा। उसमें फुल प्रूफ के साथ दिखाया गया है कि आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तिथि को होने वाला है। पर आज जो अपडेट आए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आप लोग नहीं देख पाते हैं या नहीं आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो ज़रूर इसके बारे में जानिए, अन्यथा आपका भी एडमिट कार्ड रुक सकता है। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर का कट ऑफ यानी उसका जो आर्टिकल है उसको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे क्या नोटिस जारी किया गया है उसको फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर यहाँ पर दे दिया गया है कि सिपाही भर्ती 45,667 आवेदन रद्द घोषित। तो ये पूरा आवेदन रद्द नहीं हुआ है, आपको मालूम होगा कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो 21,000 भर्ती है इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, पर किस कारण इन लोगों का आवेदन रद्द हो गया है, हो सके इस लिस्ट में आपका भी नाम हो। इस लिस्ट की पूरी जानकारी दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए प्राप्त 45,667 आवेदन को रद्द कर दिया है। इनमें से 14,484 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था लेकिन आवेदन जमा नहीं किया था, जबकि 27,672 ने खुद ही अपना फॉर्म कैंसिल करवा दिया है और 3,511 ने फॉर्म पर लिंग, फोटो और साइन जैसे कॉलम भरने में गड़बड़ी हो गया है। तो दोस्तों, आपका भी फॉर्म जो है कैंसिल हो गया होगा, पर कैंसिल में अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका कैंसिल हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा। तो चलिए डायरेक्ट अब वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से पता लगाते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो अपडेट है वो जारी कर दिया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन विथ रीजन ऑफ रिजेक्शन रिलेटेड टू बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, यानी इसमें आपका जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग आके ये जो नोटिस है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ये नोटिस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इस लिस्ट में देखते हैं किन किन लोगों का नाम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल है जो सारा कुछ आपका यहाँ दे दिया गया है, समरी वगैरह। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए CSBC कांस्टेबल का जो है वो वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड किया गया है, और एप्लीकेशन डेट देख लीजिए और कितना कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ है वो भी यहाँ देख लीजिए। टोटल का रिजेक्शन 45,667 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, लाखों की संख्या में अप्लाई किए थे लोग और ये भी चाहते थे कि किसी प्रकार अभ्यर्थियों की संख्या कम हो ताकि इन लोगों का परीक्षा आसानी से ले सकें और इसका प्रोसीजर आगे अच्छा से हो सके, इसलिए इन्होंने इस प्रकार इतने कैंडिडेट को आउट किया है, या आउट करने का कारण कैंडिडेट खुद बने हैं अपने एथी के कारण, गलती के कारण, कोई किन्हीं का साइन छूट गया किन्हीं का कुछ, तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग उस वेबसाइट पे आकर ये सारा डाउनलोड कर लीजिएगा, कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया है उनका यहाँ पर नाम दे दिया गया है और इसमें आप अपना भी नाम सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ सबका दे दिया गया है नाम और आप किस प्रकार पहचानेंगे कि आपका यहाँ रिजेक्शन है, तो उसके लिए आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है। जैसे अगर नाम किन्हीं का नीरज कुमार है तो नीरज कुमार के नाम से तो बहुत एप्लीकेशन आया होगा, पर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पर गौर करेंगे कि क्या मेरा यही रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसके थ्रू वो जान पाएंगे कि हाँ मेरा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का रीज़न भी यहाँ दे दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के थ्रू ये सबमिट नहीं किया गया है, फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। कितने लोग होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं और पेमेंट
भी कर देते हैं पर किसी प्रकार सबमिट नहीं हो पाता है, जिनसे वो लोग चूक गए हैं। अगर आप भी अप्लाई किए हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रिंट आउट ले लिए हैं और पेमेंट हो गया, तो एक बार आप इस लिस्ट में अपना नाम जरूर ढूंढिए। अगर नहीं मिला आपका नाम और नहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, तभी आप लोग समझ जाइए कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई हो गया है, अन्यथा इसमें आपका अगर नाम है तो आप भी रिजेक्ट हो गए हैं और आपका भी अब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये भी एक रिजेक्ट होने का कारण बन गया है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। वेबसाइट पर जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके आप लोग सिंपल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।